one of the prominent forms of unlawful combination of transactions and contracts is where a contract clearly leads to riba or undue benefit to one of the two contracting parties we will explain in this presentation that how the combination leads to riba or results in riba combination अनलाफुल कम्बीशन टक टेक्स प्लेस आर अकर्स इनकेस ऑफ बाई बैक एग्रीमेंट बाई बैक एग्रीमेंट यह है कि एक शख्स को कर्ज की जरूरत है या कुछ रकम की जरूरत है वह एक शख्स के पास जाता है और उसे यह कहता है कि तुम मुझे ये शुगर एक लाख रुपए में बेच दो और ये जो सौदा है ये क्रेडिट पे होगा तो ए बी से वो शुगर एक लाख की एक साल के क्रेडिट पे खरीदता है इसका मतलब ये हुआ कि, कि यहां पे एक लाख रुपए वो आउटस्टैंडिंग है वो डेट है अगेंस्ट ए जो कि उसने एक साल के बाद पे करने उसके बाद वो फौरी तौर पर उसे ये कहता है कि, कि मुझे तो शुगर की जरूरत नहीं है मैं ये शुगर दोबारा तुम्हें कम कीमत पे अस्सी हजार में तुम्हें में कैश पे फरोख्त कर देता हूं और फौरी तौर पर ए बी से अस्सी हजार रुपए कैश पे नकद पे वो उसे ले लेता है इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये यह एक बाई बेक ट्रांजेक्शन हो रहा है कि इसमें ए को दर हकीकत अस्सी हजार रुपए की जरूरत थी और अस्सी हजार रुपए उसे वैसे नहीं मिल रहे तो उसका हीला या कि उसका सब्टरफ्यूज वो इस तरीके से निकाला कि वो एक शख्स के पास जाके उससे एक चीज महंगे दामों पे जैसे कि मसनी के एक लाख रुपए में महंगे दामों पे वो क्रेडिट पे खरीदता है और फिर उसके बाद दोबारा उसे कैश पे या के नकद पे उसे कम कीमत पे उसे फरोख्त करके और वो अस्सी हजार रुपए हासिल कर लेता है इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन में ए यानी जो कि दर हकीकत बारोर है यानी उसे किसी सूरत में शुगर की जरूरत नहीं थी शुगर या के जो चीनी है उसे तो सिर्फ एक किस्म का फ्यूज या के हीले के तौर पर इख्तियार किया गया ताकि बाहिर यह नजर आए कि यह एक सेल ट्रांजेक्शन है ये कर्ज का ट्रांजेक्शन नहीं है ना बेचने वाले को की नीयत बेचने की थी और न खरीदने वाले की नीयत उस शुगर को खरीदने की थी इस ट्रांजेक्शन का जो लुबे लबाब है या नट शेल है या के जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है कि गोया के ए ने अस्सी हजार रुपए का कर्ज बी से लिया है जो कि वो एक साल के बाद बीस हजार के इंटरेस्ट के साथ या के सूद के साथ उसे वापस करेगा इस तरह के ट्रांजेक्शन को भी इस्लामिक ला में मना किया है यानी इसका मतलब यह हुआ कि बाई बैक एग्रीमेंट्स वो कम्बिनेशन है कि जिसका नतीजा लाजमन सूद की शक्ल में निकलता है क्योंकि इसका बेनिफिट एक पार्टी को होता है इसमें ऑब्वियसली जो बेनिफिशरी है वो बी है यानी जो के लेंडर है कि लैंडर है क्योंकि जिसने जो है वो चीज एक लाख पे उसे फरोख्त की है और जो इसमें लूजर है वो ए है क्योंकि जिसे जो है वो कर्ज की जरूरत थी और उसने इस तरीके से ये कर्ज लिया है तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बाई बैक एग्रीमेंट है वो एक ऐसा ट्रांजेक्शन है या कि वो एक ऐसा कम्बिनेशन है कि विच इज नॉट रिकमेंडेड और विच इज नॉट अप्रूव्ड इन इस्लामिक लॉ द रीजन बीइंग दैट इट इज अ फ्यूज दिस इज ए हीला टू सरकमेंट द ऑफ रिबा नबी करम सलम की एक हदीस में आता है कि आप सलाने फ फरमाया कि एक वक्त आएगा कि, कि जब के लोग सूद लेंगे या सूदी कर्जे लेंगे लेकिन बजा वो बजा वो सेल ट्रांजेक्शन होगा कि सैती आलन्ना से जमानन यु नफी अर रबा बिलबे कि गोया के वो ले तो सूदी कारोबार कर रहे होंगे गोया के वो सूदी कर्ज ले रहे होंगे लेकिन अपेरेंटली या कि बजाहिर वो एक किस्म का सेल का ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे ताकि अपनी इस एक्टिविटी को या अपने ट्रांजेक्शन को इस्लामिकली जस्टिफाई किया जा सके तो ये जो बाई बैक एग्रीमेंट है ये भी एक अनलॉफुल कम्बिनेशन की एक शक्ल है के जो कि के इस्लामिक लॉ में प्रोहबिटेड है और हराम है